नमस्कार, मैं हूँ आप सभी का होस्ट एंड दोस्त नरम ककुम। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे। और आप सभी के लिए मैं आज एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। और आज मैं यहाँ पे एक मूवी के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। और ये जो मूवी है, ये मूवी का नाम है दी वाटर बड़ियल। और ये जो मूवी है, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक जनजाति के ऊपर बेस्ड है। और वो जनजाति है मोनपा। और आप सभी को पता है कि मोनपा तावांग में रहते हैं। उनका जो क्रिमेशन वाला जो प्रोसेस होता है, उस पर ये बेस्ड है, शायद मेरे हिसाब से, जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया है। ये है नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है। और ये स्टोरी और ये जो मूवी है, ये जो एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। और ये जो बेस्ट नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है। सो दोस्तों, ये मूवी को प्ले करने से पहले मैं आप सभी को ये जो मूवी है, इसका जो प्लॉट है, उसके बारे में कुछ पढ़कर सुनाना चाहूँगा। An anthropologist sets off to find his friend's favorite drink. Okay, the journey takes him to a remote place. Okay, Zhang, where he stumbles upon a local tribe's dark ritual. Thus, he takes up the mission of bringing it forth into the mainstream. So, ये है plot, इसका जो summary है, उसका जो plot ये है। तो हम जानते हैं ये कब release हुआ था, इसका कुछ detail। रिलीज डेट इस ये रिलीज हुआ था नवंबर 25, 2019 को। कंट्री ओरिजिन ऑब्वियसली है तो इंडिया रहेगा। ऑफिशियल शायद फेसबुक है। उसके बाद लैंग्वेज ये तो इंग्लिश में है। और फिल्मिंग लोकेशन ये कहाँ कहाँ पे शूट किया गया है? मुक्तो, तावांग, अरुणाचल प्रदेश में ऑब्वियसली। उसके बाद प्रोडक्शन कंपनी है AM टेलीविजन। सो दोस्तों, इसका जो फुल लेंथ वाला ट्रेलर है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं उसका हाफ बड़ा जो ट्रेलर है, उसका ऊपर मैं आपको रिएक्ट करके दिखाऊंगा। और अभी इसका मजा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कपल्स मैरिड। सस्पेंस बहुत ज्यादा है। वाटर बरियल खत्म। ओके, से दोस्तों ये जो क्लिप है, इससे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया शायद। हाँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसको समझने के लिए शायद मुझे पूरा मूवी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है, कुछ आइडिया है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये जो क्लिप अगर आपको देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या क्या समझ में आया। मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, मगर जो इसका जो डायरेक्शन है, दैट वॉज वेल एंड गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, चलिए अब मैं आप सभी से इसी वक्त अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप स्वस्थ रहिए, खूब हंसिए, घर के आसपास साफ सुथरा रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।